सबास बेस्ट क्लासेस में मैं आज आपको लीची की खीर बनाना बता रही हूँ। ये मज़ेदार सी लीची की खीर बनाने के लिए मैंने आधा किलो लीची लिए और इन लीचीज को हम पहले छील लेंगे, यानी इसका छिलका निकाल लेंगे। ये बहुत ही रसीली होती हैं। अब देखिए, मैं इसमें से इसके बीज भी निकाल रही हूँ। इस तरह से बीज भी निकाल दीजिए और इसे कट कर लीजिए। इस तरह से आप इन्हें कट कर लीजिए। और देखिए, अब ये लीचीज़ को हम शक्कर में थोड़ा सा पका लेंगे। अब ये लीचीज़ एक पैन में डालिए, उसमें आधा ग्लास पानी डाल दीजिए और फिर आधा कप शक्कर डाल दीजिए। अब हमें इसे पकाना है। इसे बहुत ज़्यादा ना पकाएं, बस शक्कर को मेल्ट होने तक पकाएं। अब देखिए, मैं इसमें साथ ही ये साबित वाली लीचीज़ डाल रही हूँ। इसके बीज मैंने निकाले हैं लेकिन इन्हें कट नहीं किया है। बस आप इन सभी लीचीज़ के साथ इन्हें भी डाल दीजिए और इन्हें भी एक 5 मिनट पकाइए और फिर गैस बंद कर दीजिए। अब देखिए, यहाँ मेरे पास 1 कप खोआ है और 1 कप दूध की मलाई है। और देखिए, ये हमने चावल पीस कर रखे हैं 2 टीस्पून, और यहाँ पर हमने 2 टीस्पून वेनिला आइसक्रीम पाउडर रखा है। अब हम 1 लीटर दूध लेते हैं, उसके बाद हम इसमें चावल डाल देते हैं जो मैंने पीस कर रखे हैं, और फिर मलाई डाल देते हैं। फिर उसके बाद मैं इसमें वनीला आइसक्रीम पाउडर डाल रही हूँ, और अब हम इसमें शक्कर डाल दे रहे हैं। शक्कर बस आधा कप डाल दीजिए। और इसके बाद हम इसमें खोआ डाल रहे हैं। आप चाहें तो कंडेंस्ड मिल्क भी डाल सकती हैं। अब देखिए, 1 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर है और आधा कप हमारे पास ठंडा दूध है। अब हम 1 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर को ठंडे दूध में मिक्स करते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसे फिर खीर में मिला लीजिए। अब देखिए, हमने सारी चीज़ें इसमें मिला ली। अब हमें सिर्फ ड्राई फ्रूट्स मिलाने हैं। मैं यहाँ पर पिस्ते और काजू के पीसेस डाल रही हूँ। ये सारी चीज़ें इसमें हमने डाल दी। अब हम इसे पका रहे हैं। इसे आप अच्छा गाढ़ा होने तक पका लीजिए। देखा, ये गाढ़ा हो रहा है और कितनी अच्छी तरह से पक रहा है। इसका तो अभी से बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। देखिए कितनी अच्छी खुशबू है। अब यहाँ पर हमारे पास ये लीची है। 1 टेबलस्पून लीची लीजिए, जो कि हमने उबाल कर रखी थी, उसे हम पीस लेंगे। इसे बस मोटा मोटा पीसिए। हमने सिर्फ 1 टेबलस्पून पीसना है। अब देखिए, हमारे पास यहाँ खीर है जो कि हमने बना कर रखी है, और फिर ये लीची है जो कि हमने पीसी हुई है, और ये हमारे पास हैं लीचीज जो कि शक्कर में उबाल कर हमने रखे हैं, और ये है 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस। अब हम ये ठंडी की गई खीर में ये सारी चीज़ें ऐड करते हैं। याद रखिए, ये सारी चीज़ें ठंडी होनी चाहिए। अब हम इसमें ये लीची का जो मिक्स है डाल रहे हैं, जो कि हमने पीस कर रखा था, वो हम खीर में ऐड कर रहे हैं। और साथ ही हम डालेंगे ये बॉइल्ड लीचीज, जो कि साबित भी हैं और टुकड़े भी हैं। और फिर उसके बाद डाल दीजिए ये एसेंस। इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और याद रखिए कि इसे हमें रेफ्रिजरेट करना है, यानी ठंडी होने के बाद ही खाना है, और ठंडी होने के बाद ये बहुत मज़ा देती है। आप अपनी दावतों में या घर पर गेस्ट आने पर भी ये बना सकते हैं। अब देखिए, हमने लीची इसको निकाल लिया और इसे इस तरह से आप सर्व कीजिए। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई तो आप इसे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, सबास बेस्ट क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमारी यूज़फुल रेसिपीज़ को आसान तरीके से सीख पाओ। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी रेसिपीज़ आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाएँ। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक यू।